चलो, इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है? आपके पास एक अल्कोहल है जिसको ट्रीट किया गया है सिडी मीडियम और हीट किया गया है। इसका मतलब क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? आपका अल्कोहल डिहाइड्रेट करके यहाँ पे कैटायन फॉर्म करेगा। अब कैटायन बनने के बाद ये अपने अल्फा पोजिशन से, जो कि मैं मार्क करता रहूँ, यहाँ यहाँ और यहाँ से कहीं से भी एच निकाल के अल्किन बनाएगा। तो यहाँ पर अल्किन का जो होगा, अगर हम देखते हैं ऊपर से, तो अल्किन अगर ऊपर बनेगा तो ऐसा बनेगा, और अल्किन अगर यहाँ बनाएंगे अंदर में तो आपका अल्किन ऐसा बन सकता है। अब इसमें स्टेबल अल्किन होगा वो मेजर बनता है, इसमें ए वाला होगा मेजर, ठीक है, ये मेजर होगा आपका। तो आपका जो ए है, ए का फिगर आपको मैच करेगा ऑप्शन ए में और डी में, ठीक। उदाहरण ना, जो नीचे वाले रिएक्शन है उसमें क्या है? आपके पास जो साइक्लो हलोजन है उसमें एक बल्की बेस है। बल्की बेस में आपको पता है कि बल्की बेस हलोजन तो हटाएगा, यहाँ पे ई टू मैकेनिज्म को फॉलो करना है, तो हलोजन हटेगा और जो एच हटेगा उस पोजिशन से हटाओगे जहाँ हिंड्रेंस कम होगा। तो पोजिशन वन, और यही पोजिशन वन के इक्विवेलेंट है, और पोजिशन टू में बोल रहा हूँ। तो पोजिशन वन एंड टू पोजिशन में आपका बल हिंड्रेंस कम कहाँ पे है? तो हिंड्रेंस कम पोजिशन टू पे है, तो बल्कि बेस वहीं से एच निकालता है जहाँ पे हिंड्रेंस कम होगा। तो इस केस में आपका क्या होगा? पोजिशन टू से एच का रिमूवल होगा और क्लोरीन हटेगा। तो इसका मतलब आपका जो पॉइंट बनेगा कुछ ऐसा बनने वाला है, यानी ए में ए का मेजर पॉइंट होगा, बी का ए होने वाला है। तो अगर ऑप्शन देखोगे कि कहाँ पे ऐसा कुछ है, तो ऑप्शन ए में हमारे आंसर से मैचिंग है, यानी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑप्शन ए होने वाला है। तो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।